अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाम बखैर नाज़रीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों को यकीनन इंतज़ार रहता है जुमे की शाम का, जुमेरात की शाम का, जुमे की आमद का, कि हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हमारे शो पे। और मुझे यकीन है कि जहाँ जहाँ तक मेरा प्रोग्राम देखा जाता है पूरी दुनिया में, तो कोई ना कोई एक अल्लाह ताला का पसंदीदा प्यारा बंदा, नेक बंदा इस दुआ में ज़रूर शामिल होगा, बंदा या बंदी, जिसकी आमीन से अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को इंशाअल्लाह ताला कबूल और मकबूल फरमाएंगे। आइए दरूद शरीफ पढ़िए और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हमारे सगीरा कबीरा गुनाह, जाने अनजाने गुनाहों को मुआफ़ फरमा के हमसे राज़ी हो जाइए। ऐसे काम करने की तौफीक दीजिए अल्लाह पाक जिससे आप राज़ी हो जाएं। ऐसे कामों से, ऐसे लोगों से हमें दूर कर दीजिए जो आपके नापसंदीदा हों। या अल्लाह पाक, हमने बहुत गुनाह किए हैं। या अल्लाह, सारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा के हमें कब्र के अज़ाब से बचाना, जहन्नम की आग से बचाना, दोज़ख की आग हम पर हराम कर देना। या अल्लाह पाक, कब्र की तंगी से, कब्र की वहशत से, कब्र की कीड़े मकोड़ों से बचा के रखना, मुनकिर नकील के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना, आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जामे कौसर अनायत फरमाना। या अल्लाह, आखिरत की रसवाई से बचा लीजिए अल्लाह पाक। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए। या अल्लाह, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपनी ख़ास रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा दीजिए। या अल्लाह, बहुत सारे लोग बीमार हैं। या अल्लाह, जिनको जो जो बीमारियाँ, या अल्लाह पाक, उनके अंदर से तमाम बीमारियों को निकाल के सबको सेहत कामला, आजला और शिफा अता फरमा दीजिए। हॉस्पिटल में इतने लोग पड़े हुए हैं, या अल्लाह, आप सबको सेहत कामला दे दीजिए। या अल्लाह, जिनके माँ बाप हयात हैं उनका साया उनके माँ बाप बच्चों के सर पे आबाद रखना। जिनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मेरे माँ बाप समेत, आप उनको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम अता फरमा दीजिए और उन पर अपना रहम और करम फरमा दीजिए। या अल्लाह, बहुत सी बच्चियां औलाद के लिए तरस रही हैं। या अल्लाह, आप उनकी गोदों को भर दीजिए। आपके लिए तो हर चीज़ एक झटके का आपको हुक्म देने की बात है और वो हो जाती है। अल्लाह ताला, आप सारी बच्चियों की गोदों को भर दीजिए, नेक और सवाले बड़ी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दीजिए। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, मुझ समेत। अल्लाह ताला, आप हम सब पर अपना ख़ास रहम और करम फरमा दीजिए। अच्छे लोगों से पाला पड़वा दीजिए, नेक बच्चियों से पाला पड़वा दीजिए, नेक लोगों से पाला पड़वा दीजिए। या अल्लाह पाक, रिस्क हलाल में, कारोबार में, कमाइयों में बरकत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, किसी किस्म के गम और परेशानी में मुब्तला ना करना, किसी किस्म की आजमाइशों में ना डालना, तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलादों की, औलादों के औलादों की, दामादों की, किसी किस्म की आजमाइश में ना डालना। जो सफ़र में, उनको साथ खैरियत की, तंदुरुस्ती, सलामती, खैर आफियत के साथ अपने घर वालों के पास पहुँचाया। या अल्लाह, हॉस्पिटल ले जा के मौत ना देना, वेंटिलेटर पे डाल के मौत ना देना, डायलिसिस पे डाल के मौत ना देना, कोमा की हालत में मौत ना देना, कैंसर की हालत में मौत ना देना। या अल्लाह, हम सब पर अपना ख़ास रहम और करम फरमा के हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी जनाब, आज जुमेरात वाला दिन है और बहुत मज़े के कबाब बनेंगे जो कि हम स्क्रैच से बनाएंगे। मैंने बोटी इसमें बॉईल होती है पहले, लेकिन मैंने नहीं किए। अच्छा, अगर आप लोग को शामी कबाब, असल शामी कबाब जिसमें वो लेस आता है, ठीक है, अगर वो शामी कबाब बनाने हैं तो आप फिर बोटियों से बनाइएगा। जिस तरह से मैं, ये रेसिपी नहीं है, ये शामी कबाब नहीं है, लेकिन एक आइडिया दे रही हूँ कि शामी कबाब भी मैं इसी तरह से चढ़ाती हूँ बोटियों के साथ। और जब आप उसको पीसते हैं, अगर सिल पे पिसवा लें तो क्या बात है, फिर तो वो बिल्कुल वैसे ही रेशा निकलता है। लेकिन अगर नहीं हो, आजकल तो चॉपर का ज़माना है, तो ठीक है उसमें भी कर लें, उसमें भी बेहतरीन बनते हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ हमारे दम की बोटी के जो फ्राइड दम के कबाब है ना, उसको हम चढ़ा देते हैं ताकि वो अपना गलते जाएंगे। और फिर मैं केक बनाऊंगी, और केक आज का बहुत ही मज़े का है, पीच एंड क्रीम पाउंड केक। ठीक है, पीचेस एंड क्रीम पाउंड केक हमारे पास चूँकि पीचेस इतने बेहतरीन इटालिया के कैन पीचेस मौजूद है, उसकी प्यूरी करके मुझे अंदर भी मिलाऊंगी, और थोड़ी सी प्यूरी हम क्रीम चीज़ की इसकी फ्रॉस्टिंग बनेगी उसमें भी हम डालेंगे। ठीक है, तो ये है। और थर्ड रेसिपी जो है हमारी वो है शाही मटन चॉप्स। इसकी मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, ये आसान सी रेसिपी इसलिए है इस वक्त कि मैंने चॉप्स बॉईल किए हुए हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें ज़रा सी टाइम लेवा हैं, और ये थर्ड वाली चूँकि चॉप्स बॉईल है तो नो टेंशन। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, स्टार्ट करते हैं आज का शो। मेरे ख़्याल से मुझे केक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज़ अभी मेरे पास यहाँ प्रेशर कुकर भी नहीं है और मेरे पास बोटी मेरे इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है। तो हम आ जाते हैं केक पे। केक को हम डालेंगे अपने बेकिंग के लिए। अच्छा, ये बंद पैन है मेरे पास, ठीक है, और ये बंद पैन को बहुत अच्छी तरह से हमने बटर से ग्रीस किया है। कहीं हुआ है कहीं नहीं हुआ है, तो ज़रा मेहरबानी करके बहुत अच्छी तरह से करना है आपको, ताकि कहीं पे भी इसको रह ना जाए, वरना ये निकलने में बहुत तंग करता है। ठीक है, 10 इंचज़ का बन पैन है ये, कोई सा भी शेप ले लें, आजकल तो इतने आए हुए हैं, उफ पागल हो जाता है इंसान। ओके, अब गौर से सुनिए, मेरे पास यहाँ पे क्रीम चीज़ रखी हुई है 50 ग्राम। टब ले लो या क्यूब्स ले लो, मैंने क्यूब्स लिए। ठीक है, ये मेरे पास क्रीम चीज़ रखी हुई है, और मेरे पास मक्खन है 6 आउंसेस, दैट इज़ 6 आउंसेस 150 ग्राम्स। 150 ग्राम बटर है मेरे पास, 50 ग्राम्स मेरे पास क्रीम चीज़ है, 2 या 3 ले लीजिएगा, मैंने 3 लिए हैं। 2 एक्चुअली 25 ग्राम का एक होता है, लेकिन मैंने 3 ले लिए हैं। 3 ये मेरे पास क्रीम चीज़ है, और इसमें मैं शामिल करूँगी 1/4 कप क्रीम, और 1/4 कप क्रीम डालूँगी मैं टेट्रा पैक की। टू टेबलस्पून, मैंने इसीलिए आपको दिखा दिया, टेबलस्पून से या कप से 1/4 कप है, और ऐसे 2 टेबलस्पून। ठीक है, ये चली गई। अब मैं इसको कर रही हूँ, पहले इनको मैं बीट कर लेती हूँ। बटर और क्रीम चीज़ है, दोनों को अच्छी तरह, बहुत डिफरेंट केक है, ये आपने नहीं सीखा है। इसकी गिट्टियाँ नहीं रहनी चाहिए क्रीम चीज़ की। अब आप इसमें शामिल कर दीजिए क्रीम। कितनी ली थी? 2 टेबलस्पून हीट या 1/4 कप। और ये कौन सी क्रीम है? टेट्रा पैक वाली। अब इसमें एसेंस जाएगा, वनीला एसेंस और पीच एसेंस। ½ टी स्पून peach essence, 1 teaspoon vanilla essence. Start adding in eggs. एक एक अंडा डालना है हमको, एक अंडा डालेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। नहीं, आज थोड़ा सा डिले कर दो बेटा ब्रेक को। अच्छा ये हो गया। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी जाएगी इसमें 1.5 कप, कैस्टर शुगर 1 कप। अच्छा ले ले, मैं जब तक ये थोड़ी थोड़ी डाल के बीट करती हूँ, आप लोग चलिए ब्रेक लेके आइए। इसके बाद मैं कुछ नहीं करूँगी। ये 1 कप है, आधा कप और चीनी जाएगी इसमें, थोड़ी थोड़ी करके डालती जाऊँगी और बीट करती जाऊँगी और आपका वेट करती हूँ। आपके सामने आके अंडे और मैदा डालेंगे और मैदा बताऊँगी आपको। इसमें मैदे में मैंने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कितना डाल के रखा है। परेशान नहीं होइए, सब कुछ आपके सामने होगा सिवाय चीनी के। स्टे विद मी। वेलकम बैक जी। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन। थोड़ी सी माफ़ी चाहती हूँ, मैं अभी इसको एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट के लिए भूल जाइए, ठीक है। और आप आ जाइए फ्राइड दम के कबाब पे। फ्राइड दम के कबाब के लिए मैंने बोटियाँ ली हैं बीफ की, आधा किलो मैंने नहीं लिए, मैंने 750 ग्राम लिए। आधा किलो में शायद 12 कबाब बनते ही है। बहरहाल मैंने थोड़ी सी ज़्यादा लिए। ये देखिए, बोनलेस बोटी, छोटे छोटे इस तरह से पीसेस करा के। इसमें मैंने 2 कप पानी डाल दिया है और इसमें मैं 1 चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ और इसको मैं बंद कर रही हूँ, ठीक है। जब ये आधी बोटी गल जाएगी ना, जब ये आधी बोटी गल जाएगी तो हम इसमें बाकी की जो चीज़ें वो डालेंगे। 2 आलू डालेंगे, 2 आलू डालेंगे और अदरक लहसुन डालेंगे, ये सब कुछ डालेंगे। यही तरीका 19-20 फ़र्क के साथ शामी कबाब का है, लेकिन शामी कबाब में बताऊंगी आपको, बस आप बोटियों के साथ बनाइए। आज का सवाल भी हमने यही रखा है कि शामी कबाब बनाने का जो असल शामी कबाब होते हैं वो कैसे बनते हैं, ये आज का सवाल है, ठीक है। ये हो गया। 2 कप पानी, 1 चाय का चम्मच हीट नमक और मैंने 3 पाव बोटियाँ लिए, 750 ग्राम। ओके ओके, नाउ आई कम बैक टू माई पीच क्रीम चीज़ पाउंड केक। इसके लिए हमने मक्खन लिया 6 आउंस 150 ग्राम। उसमें मैंने 1/4 कप या 2 टेबलस्पून ही टेट्रा पैक की क्रीम डाल दी और मैंने इसमें 50 ग्राम या 3 क्यूब्स डाल दिए क्रीम चीज़ के, ठीक है। और ये तीनों को इतनी अच्छी तरह से बीट कर लिया। साथ में 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस डाला, आधा चाय का चम्मच पीच एसेंस डाला और 1.5 कप चीनी डाली। 1.5 कप चीनी कितनी होती है? 12 आउंस, ठीक है। ये हो गया। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1-1 अंडा शामिल करूँगी। यहाँ पे मैंने मैदा छान के रखा है। जितनी चीनी डाली है उसका आधा मैदा लिया है मैंने, समझ आ रहा है, घबराइए नहीं। चीनी 12 आउंस है, मैदा 6 आउंस है, ठीक है। 1.5 कप मैदा है, दैट 6 आउंसेस मैदा डाला है। मैदे में मैंने 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है और 1/8 इतना, ये 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है, ठीक है। ये तीनों चीज़ों को छान लिया, साथ में 1 चुटकी नमक डाल दी थी। अब हम डाल रहे हैं इसमें 1-1 अंडा, 4 अंडे, 2 चले के चने, कोई बात। थोड़ा थोड़ा छनावा मैदा, बेकिंग पाउडर, नमक और सोडा। तीसरा अंडा, मैंने कल लास्ट वीक ऑफ दिसंबर की रेसिपीज़ नहीं दी थी, 3 हफ्ते की देखे गई थी, भूल गई थी। कल मैंने दिए, जो एंड ऑफ दिसंबर है ना, सारी जो मैंने चीज़ें वहाँ खाई हैं वो हैं और कुछ सिखाई भी हैं। इंशाल्लाह दिसंबर एंड में आपको अच्छी नई नई और सिखाऊंगी, और अगर ज़िंदगी बखैर, और फिर जनवरी में तो करूँगी पूरा। चौथा अंडा, रिमेनिंग मैदा। अब इसमें जाएगी पीच प्यूरी। इटालिया के पीच हाफ्स लिए मैंने, इसमें से 4 बड़े हाफ्स की ये प्यूरी बनाई है। डेढ़ कप बस। एक चीज़ इसमें रह गई है, सिरका। विनेगर 1 टेबलस्पून। फ़ौरन से पैन में डाल दीजिए। बंद पैन, वेल ग्रीस्ड एंड आई हैव डस्टेड इट विद फ्लावर। अब हम जल्दी से इसको ओवन में डाल रहे हैं, बिकॉज इसको टाइम लगेगा बेक होने, कम से कम 45 मिनट्स। इसमें पीच प्यूरी की वजह से इसमें टाइम लगेगा। बिल्कुल ले लें, इसको मैं डाल रही हूँ ओवन में। आप चलिए ब्रेक लेके आइए, वापस आते हैं, इसका जल्दी से ग्लेज बनाते हैं और फिर उसमें बाकी की चीज़ें डाल देते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जनाब वेलकम बैक। मैं टेम्परेचर चेक कर रही थी, 180 पे है। ठीक है, समझ आ गया ना कि एक मक्खन को, क्रीम चीज़ को और क्रीम को बीट कर लिया। जब वो अच्छी तरह क्रीमी हो गया, उसमें 1.5 कप यानी कि 12 आउंस थोड़ा थोड़ा करके पिसी हुई चीनी, कैस्टर शुगर डाल दी, पीच एसेंस डाल दिया, ½ टीस्पून, 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस डाल दिया। वो सबको बीट हो गया। फिर मैदा छान के लिए रख दिया था, 6 आउंस यानी कि 1.5 कप, जिसमें 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर था, ½ चाय का चम्मच बेकिंग सोडा था, उसको अच्छी तरह से छान लिया, एक तरफ कर लिया, ज़रा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दिया था। फिर 4 अंडे तोड़ लिए, वो जो मक्खन चीनी एसेंस वाला मिक्सचर है उसमें 1 अंडा डाला, बीट किया, थोड़ा सा छना हुआ मैदा डाल दिया, दूसरा अंडा डाला, बीट किया, थोड़ा सा छना हुआ मैदा, इसी तरह 4 अंडे चले गए और पूरा मैदा चला गया। अच्छी तरह से सबको फोल्ड कर दिया। 1.5 कप यानी कि इसमें से 4 हाफ्स लिए थे पीचेस के और उसको चॉपराइज़ करके वो प्यूरी डाल दी। लास्ट में 1 खाने का चम्मच भर के सफ़ेद सिरका डाल के सबको अच्छी तरह से मिक्स किया। बंद पैन को ग्रीस किया, ग्रीस करने के बाद मक्खन से उसको डस्ट किया विद मैदा और फिर उसमें डाल के उसको बेक करने रख दिया है। कम से कम इसको बेक होने में लगेगा 45 मिनट्स। मैं देखती हूँ उसमें क्या लिखा है, 30 मिनट्स रखा है, नहीं होगा 30 में, मुझे पता है 40 मिनट्स तो लगेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने फ्राइड दम के कबाब के लिए बोटी ली थी बीफ की, ठीक है, मैंने ली थी 750 ग्राम, आप आधा किलो ले लो, नो इशूज़। 12 कबाब बन जाते हैं इजी आधा किलो में, ज़्यादा थोड़े बनेंगे बिकॉज आलू हैं। अच्छा, ये डाल दिया था मैंने, साथ में 2 कप पानी डाला था और 1 चाय का चम्मच भर के हीट नमक डाला था। उसको 15 से 20 मिनट पका लो, फिर उसको खोलो। उसको खोलने के बाद आप उसमें चॉप्ड जिंजर गार्लिक डालेंगे। 1 खाने का चम्मच जिंजर है, 1 खाने का चम्मच गार्लिक, यानी 6 जवे लहसुन के थे और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था चॉप करके, वो डाल दीजिएगा। 12 बटन रेड चिलीज़ गोल वाली जो बघार की मिर्ची होती है वो डालेंगे और हम इसमें डालेंगे सिरका 1 खाने का चम्मच। 2 आलू मोटे मोटे स्लाइस करके या साबुत या आधे काट के, जैसे भी गलने ही है, ठीक है, ये डालेंगे। और हम गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला, ये सब हम डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम श्री आपा, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान। मैं शाहीवान से फौजिया बात कर रही हूँ आंटी जी। फौजिया फरमाइए। मेरे 3-4 माह के बाद आपसे बात हो रही है, मेरी बात नहीं हो पा रही थी आपसे। अच्छा, फरमाइए क्या कहेंगी? श्री आपा, मैं ये कहना चाह रही थी कि सिरका लिखा हुआ है 1 टीस्पून, हाँ, तो थोड़ी सी गाइड करेंगे, सिरका भी डालना है? जी बिल्कुल डाला है। अच्छा, और श्री आपा, जो शेफ अशरफ ने कैपुचिनो केक बनाया उसमें उन्होंने शायद 3-4 कप सेल्फ प्रेसिंग फ्लावर डाला, मगर हमारे शहर में अवेलेबल नहीं है। मैदा डाल दें आप, साथ में 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर छान के डाल दीजिएगा, लेवल्ड। अच्छा, और श्री आपा, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जरा अमारा को, शेफ अमारा को भी बुलाएं। अच्छा, इंशाल्लाह, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, इसमें लहसुन जा रहा है 6 जवे, 1 खाने का चम्मच, इसमें अदरक जा रहा है 1 इंच का पीस, 1 खाने का चम्मच चॉप, इसमें 12 लाल मिर्चें साबत, ये चली गई। 1 खाने का चम्मच भर के सिरका चला गया। आलू 2 हैं ये, दो आलू चले गए और मैं इसको दोबारा से बंद कर रही हूँ। मैंने अभी इसमें चाट मसाला और गरम मसाला नहीं डाला है, वो मैं जब ये पूरा हो जाएगा ना उस वक्त डालूँगी, ताकि अच्छी सी खुशबू रहे, या चॉपर में जब ये जाएगा ना पीसते वक्त जब डालूँगी। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। समझ आ गया? पहले सिर्फ गोश्त बोटियाँ ली और बोटियों को हमने बॉईल करने रख दिया 1 चाय का चम्मच और 2 कप पानी के साथ। फिर जब गोश्त आधा हो गया, फिर हमने उसको खोला, उसमें हमने 2 आलू बड़े स्लाइस करके डाल दिए, 1 खाने का चम्मच अदरक, 1 खाने का चम्मच लहसुन, 12 साबुत गोल वाली हरी मिर्च, सॉरी माफ़ कीजिए लाल मिर्चें, 1 खाने का चम्मच सिरका, ये सब कुछ हमने डाल दिया और हमने इसको दोबारा से चढ़ा दिया। अब जब गोश्त और आलू गल जाएंगे, पानी खुश्क हो जाएगा, इसको हम ठंडा करके चॉपर में पीसेंगे और जब चॉपर में पीसेंगे तो इसमें मैं डालूँगी धनिया, पुदीना, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर, इसको सबको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें एक कच्चा अंडा जाएगा। इसके हम सीख कबाब शेप के कबाब बनाएंगे। कोयले का धुआं दे दो तो क्या ही बात है, मैं देती हूँ। जब घर में बनाती हूँ मैं इसमें कोयले का धुआं लाजमी देती हूँ। मैं देखूँगी अगर कोयला है इधर तो मैं पीसने से पहले कीमे पे बोटियों पे कोयले का धुआं दे दूँगी। फिर पीस के सीख कबाब का शेप बनाइए कबाब का अंडा डालने के बाद, और फिर आप इसको फ्राई कीजिए। ठीक है, बस दैट्स इट। आप चाहें तो धनिया पुदीना उस वक्त डाल दें पीसते वक्त, या फिर बारीक चॉप करके उस वक्त बाद में मिला दें, मर्जी आप। ठीक है, ये भी हो गया। आ जाइए आप ग्लेज पे, केक का ग्लेज सिर्फ ऊपर से ड्रिजल करना है, क्रीम चीज़ ग्लेज। अच्छा, इसके लिए क्रीम चीज़ 100 ग्राम 4 क्यूब्स। ठीक है, इसको हम बीट कर लेते हैं और इसमें हम डालेंगे आइसिंग शुगर 1/2 कप। तरह से दूध करेंगे। इसमें लिखा हुआ है 2 टेबलस्पून दूध डालना है। मैं दूध नहीं डाल रही, मैं ये डाल रही हूँ। 1 मिनट, ये आ गया, क्रीम डाल दिया। शुगर, आइसिंग शुगर 1/2 कप। हो गया ये। इसको मैं और अच्छी तरह बीट करूँगी। आप लोग चलिए ब्रेक लेके आइए। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स या 1/4 टीस्पून पीच एसेंस और ज़रा सा 1 चुटकी ऑरेंज कलर। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ 3rd फाइनल रेसिपी की तरफ। ये हमारा ग्लेज़ है। ठीक है, ये हमारा ग्लेज़ है जो हमने अपने पीच केक के लिए बनाया है। इसमें मैंने लिया था 100 ग्राम्स ऑफ क्रीम चीज़ क्यूब्स, 4 क्यूब्स लिए थे। उसमें मैंने उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया कि उसका दाना ना रहे, गुठली ना रहे। फिर मैंने उसमें 1/2 कप छनी हुई आइसिंग शुगर डाल दी, पीच एसेंस डाल दिया 1/2 टीस्पून या 1/4 टीस्पून। अच्छी तरह बीट किया उसको। दूध डाल लें या क्रीम डाल लें, मैंने दोनों डाला है। पहले 2 टेबलस्पून क्रीम डाला, मुझे गाढ़ा लग रहा था, पोरिंग नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने इस पर और 2 टेबलस्पून दूध डाला। शायद मुझे और डालना पड़ जाए। ये मैंने शामिल किया। पिंच ऑफ ऑरेंज तंदूरी कलर जो आता है वो मैंने डाला। सबको अच्छी तरह से बीट कर लिया और 2 टेबलस्पून डाली थी पीच प्यूरी। ठीक है, बस वो सब कुछ डाल दी और ये हमारी रेडी हो गई है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आ रही हूँ शाही मटन चॉप्स। अच्छा, शाही मटन चॉप्स के लिए आपको चाहिए 1 मसाला जो आपको पीसना है। ठीक है, और वो उस मसाले में आप क्या डालोगे? हरा धनिया 1 गड्डी, पुदीना 1/2 कप, एक कप हरा धनिया, आधा कप पुदीना, कड़ी पत्ता 15, हरी मिर्चें 3 और गरम मसाला अभी मैंने नहीं डाला है। नारियल 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड, सॉल्ट 1 टीस्पून और क्रीम चीज़ बॉटल वाली 2 टेबलस्पून वो भी यहाँ रखी है, वो भी अभी नहीं डाली है मैंने। ठीक है, चॉप्स आप लेंगे 750 ग्राम, 3 पाव मटन चॉप्स लेंगे और मटन चॉप्स को आपको सिर्फ हल्का सा नमक डाल के इसको बॉईल करना है। मैंने 1.5 कप पानी और हल्का सा नमक डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया। अबाउट हाफ टीस्पून नमक डाला था। अब मैं लूँगी मेरा फेवरेट ऑयल, हेल्दी कुकिंग ऑयल विच इज़ वेरी हेल्दी एंड फ्रेंडली टू योर हार्ट। स्पेन का बना हुआ है, असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके ये तेल निकाला जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा। जी जान, फरमाइए। आपा क्या हाल है? अल्लाह का बहुत शुक्र। आपका आपकी तबीयत कैसी है? जब आप नहीं थी मैंने बहुत कोशिश की आपसे बात हो जाए लेकिन नहीं हुई। आज भी बड़ी जो है वह दुआएं मांगी आपसे जो बात हो। बहुत शुक्रिया बेटा, मेरा बहुत शुक्र है अल्लाह ताला का। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत एहसान है। सुमेरा आपा ने भी बहुत अच्छा शो किया है, बहुत मज़ा आया उनके साथ भी। चले, बहुत शुक्रिया। और आपा आपके सवाल का जवाब दूँ? जी दीजिए। शामी कबाब मैं इस तरह बनाती हूँ भाई, गोश्त और चने की दाल बॉयल करके फिर उसको साथ ही मसाले डाल के ठीक है साथ आटा डाल के बनाई जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, मैंने आधा कप तेल ले लिया इटालिया का, पामेस ऑलिव ऑयल, और उसमें मैंने 1.5 कप प्याज शामिल कर दिए चॉप्ड। इस प्याज को मुझे खूबसूरत सा लाइट गोल्डन करना है। ठीक है, जब प्याज खूबसूरत सी लाइट गोल्डन हो जाएगी तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून लेवल्ड हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चॉपराइज टोमेटोज़ 2, ये रखे हुए हैं मेरे पास, और लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें और हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून ये जाएगा और फिर वो हरा मसाला भी जाएगा पिसा हुआ। मैंने इसको बंद कर दिया था, कहीं ऐसा ना होना लग जाए, पानी ख़त्म हो जाए, पानी कम था। अच्छी तरह से खूबसूरत सा लाइट गोल्डन करना है। बहुत मज़े के चॉप्स बनते हैं ये। जो लोग काम पे जाते हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, जब आप अपने घर में गोश्त मंगवाते हो, चॉप्स वगैरह, गोश्त बकरा जब भी आता है, तो जब चॉप्स मंगवाएं तो बॉईल करके पैकेट बना के रख दो। शाम में जब काम पे से वापस आए, चॉप्स आपने निकाल के गए, सुबह फ्रिज में रखे गए और वापस आए आपने, ये सारा कुछ 2 मिनट में बन जाएगा। अगर चॉप्स गले में हों तो फिर टाइम नहीं लगता है। माशाल्लाह मेरा केक हो गया है। 1 मिनट बेटा, हम चेक करते हुए जाते हैं। अगर हमारा केक हो गया है तो बस फिर इसको निकालेंगे, ठंडा करेंगे और यस इट्स डन। 5 मिनट छोड़ रही हूँ, सिर्फ 5 मिनट भी नहीं। ब्रेक से आएंगे मैं निकाल चुकी हूँगी। 2-3 मिनट छोड़ रही हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देखिए मैंने क्या किया, केक मेरा निकल गया है, ठीक है, उसको मुझे ग्लेज़ डालना है, वो बात की बात है। अच्छा, चॉप्स पे मैंने प्याज को कच्चा पक्का हल्का सा जब कलर आया, बहुत मामूली सा, मैंने इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन और 2 चॉपराइज टोमेटो डाल दिए। अब मैं इसमें ये मसाला डाल रही हूँ, हरा धनिया, हरी मिर्चें, नारियल, पुदीना, कड़ी पत्ता, ठीक है, और इसमें मुझे लाल मिर्च और वो भी डालनी है, हल्दी। प्लीज़ लाल मिर्च 3 टीस्पून लिखिए, बिल्कुल भी 3 टीस्पून नहीं डालूँगी, 2 टीस्पून जाएगी लेवल्ड। One, two, और हल्दी जाएगी ½ टीस्पून। थोड़ा सा पानी, इसको मैं खोल रही हूँ, और अभी भी इसमें पानी है, खोल देते हैं इसको ताकि जल्दी से ये सूख जाए। हम ब्रेक पे जा सकते हैं। ये इसका गैस ख़त्म हो गया है, ठीक है जी। अब ये देखेंगे, हमने अच्छी तरह इसमें मसाला डाल दिया। अब चॉप्स डाल रही हूँ इसमें, बॉईल किए हुए, 750 ग्राम्स बॉइल्ड चॉप्स हैं। चॉप्स थोड़े से इसमें कुक होंगे। आखिर में इसमें 2 टेबलस्पून क्रीम चीज़ जाएगी, एंड दैट्स इट, दिस इज़ रेडी। इसको हम डिश आउट करेंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। शाही मटन चॉप्स, अज्जा, बकरे की उबली चाँपें 750 ग्राम, बारीक कटी प्याज 1.5 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, इसी लाल मिर्च 3 चाय के चमचे, हल्दी ½ चाय का चमचा, कटे टमाटर 2 अदद, तेल ½ कप। इसे मसाले के अज्जा, हरा धनिया 1 कप, पुदीने के पत्ते ½ कप, कड़ी पत्ते 15 अदद, हरी मिर्च 3 अदद, गर्म मसाला ½ चाय का चमचा, ओपरा 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, क्रीम चीज़ 2 खाने के चमचे। शाही मटन चॉप्स, अज्जा, बकरे की उबली चाँपें 750 ग्राम, बारीक कटी प्याज 1.5 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, इसी लाल मिर्च 3 चाय के चमचे, हल्दी ½ चाय का चमचा, कटे टमाटर 2 अदद, तेल ½ कप। इसे मसाले के अज्जा, हरा धनिया 1 कप, पुदीने के पत्ते ½ कप, कड़ी पत्ते 15 अदद, हरी मिर्च 3 अदद, गर्म मसाला ½ चाय का चमचा, ओपरा 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, क्रीम चीज़ 2 खाने के चमचे। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ, बहुत गर्म है। आप ये हरकत नहीं है हरगिज़ करेंगे, लेकिन अब आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई डोंट हैव द टाइम। अच्छा, मैं इसमें डाल रही हूँ ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। मैंने कोयले का धुआं दे दिया है इसको, ठीक है, बिल्कुल दिया है कोयले का धुआं। गरम मसाला 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें, और इसमें जाएगा चाट मसाला 2 चाय के चम्मच या 1 टेबलस्पून। मज़े के चटपटे कबाब होते हैं ये। पुदीना और धनिया अंडा मैं बाद में डालती हूँ, कहीं ऐसा ना हो गरम गरम में वो और पानी छोड़ दे या। बिस्मिल्लाह, आलू भी गल गया, बोटी भी गल गया। क्या मज़े के हुए वो जो हम बात कर रहे थे, जो थ्रेड बनता है शामी कबाब में वैसे ही बना है, ले वो जो रेशा। चलें, दिस इज़ डन। आपको नज़र आ रहा है रेशा, आप देखें, ये देखें, ये देखें रेशा, ठीक है। माशाल्लाह, और कोयले का धुआं भी दे दिया, इतनी ज़बरदस्त खुशबू जाएगी और ये कबाब बेहतरीन फ्रीज हो जाते हैं। इसी तरह से आप शामी कबाब बनाएं, बस उसमें चंद चीज़ें, चने की दाल पड़ती है, प्याज पड़ती है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन बनाइए बोटी से, ठीक है। ओके, आई एम वेटिंग ज़रा सा ये ठंडा हो जाए, फिर हम माशाल्लाह। सेट हो जाएगी ये थोड़ी देर में। ठीक है, जी ले लीजिए। ठीक है जी, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। और ये थोड़ा सा पीचेस मैंने चॉप करके रखे हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। पीच एंड क्रीम पाउंड केक, अज्जा क्रीम चीज़ 50 ग्राम, क्रीम 1/4 कप, मक्खन 6 औंस, कस्टर्ड शुगर 1.5 कप, अंडे 4 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, पीच एसेंस 1/2 चाय का चमचा, बारीक कटे आड़ू 1.5 कप, मैदा 1.5 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, सिरका 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1/8 चाय का चमचा, नमक हस्ब ज़रूरत। क्रीम चीज़ ग्लेज़ के लिए अज्जा क्रीम चीज़ 100 ग्राम, आइसिंग शुगर 1/2 कप, पीच प्यूरी 2 खाने के चमचे, दूध 2 खाने के चमचे, पीच एसेंस चंद खतरे, ऑरेंज कलर 1 चुटकी। तरकीब ग्लेज़ के लिए तमाम अज्जा मिक्स करके रख दें। केक के लिए मक्खन, चीनी, क्रीम और क्रीम चीज़ को एक साथ फेंट लें। अब इसमें 1-1 करके अंडे शामिल करें, फिर दोनों एसेंस और कास्टर्ड शुगर डाल दें। उसके बाद मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा छान लें। अब इसमें नमक शामिल कर लें, फिर इन खुश्क अज्जा को मक्खन वाले बैटर में फ़ोल्ड कर दें। उसके बाद आड़ूओं को चपराइज करके इस मिक्सचर में शामिल कर लें। अब इसमें 1 चाय का चमचा सिरका डालकर मिक्स करें। फिर इस बैटर को बेकिंग पैन में डालकर 30 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर अवन में बेक कर लें। आखिर में इस पर ग्लेज़ शामिल करके सर्व करें। शाही मटन चॉप्स अज्जा बकरे की उबली चाँपें 750 ग्राम, बारीक कटी प्याज 1.5 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, इसी लाल मिर्च 3 चाय के चमचे, हल्दी 1/2 चाय का चमचा, कटे टमाटर 2 अदद, तेल 1/2 कप। इसे मसाले के अज्जा हरा धनिया 1 कप, पुदीने के पत्ते 1/2 कप, कड़ी पत्ते 15 अदद, हरी मिर्च 3 अदद, गर्म मसाला 1/2 चाय का चमचा, कोपरा 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, क्रीम चीज़ 2 खाने के चमचे। तरकीब पिसा मसाला बनाने के लिए तमाम मसाले अच्छी तरह पीस लें। एक पैन में चाँपों में नमक शामिल करके उबाल लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके बारीक कटी प्याज फ्राई करें, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर 1 मिनट फ्राई कर लें। फिर कटे टमाटर, हल्दी, पिसी लाल मिर्च और पिसे मसाले शामिल करके 5 मिनट फ्राई करें। उसके बाद इसमें मैरिनेट की हुई उबली चाँपें शामिल करके अच्छी तरह फ्राई कर लें। अब इसमें 3/4 कप पानी डालकर तेल ऊपर आने तक पकाएं, फिर इसमें क्रीम डालकर मिक्स कर लें और सर्व करें। फ्राइड दम कबाब अज्जा बीफ बोटी 0.5 किलो, नमक 1 चाय का चमचा, पानी 2 कप, गोल लाल मिर्च 12 अदद, बारीक कटी अदरक 1 इंच का टुकड़ा, कटा लहसुन 6 जवे, आलू बड़े स्लाइस 2 अदद, सिरका 1 खाने का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 3 खाने के चमचे, कटा पुदीना 2 खाने के चमचे। तरकीब गाय का गोश्त, नमक और 2 कप पानी प्रेशर कुकर में डालकर थोड़ी देर पकाएं। अब इसमें अदरक, लहसुन, गोल लाल मिर्च, छिले और स्लाइस के आलू, सिरका, चाट मसाला और पिसा गर्म मसाला शामिल करके ढककर गोश्त गलने तक पकाएं। फिर पानी खुश्क होने पर इसे चॉपराइज कर लें। उसके बाद कोयले से धुआं देकर 1 अदद अंडे में मिक्स कर लें। आखिर में इसमें हरा धनिया और पुदीना मिक्स करके शैलो फ्राई करें और सर्व करें। फ्राइड दम कबाब अज्जा बीफ बोटी 0.5 किलो, नमक 1 चाय का चमचा, पानी 2 कप, गोल लाल मिर्च 12 अदद, बारीक कटी अदरक 1 इंच का टुकड़ा, कटा लहसुन 6 जवे, आलू बड़े स्लाइस 2 अदद, सिरका 1 खाने का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 3 खाने के चमचे, कटा पुदीना 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन और ये देखें फ्राइड दम के कबाब धुआं दिए हुए। उफ, यू हैव टू ट्राई दैम। और ये बड़े अच्छे फ्रीज़ हो जाते हैं, भूल जाएंगे शामी कबाब को। इसी शेप के होते हैं ये, ठीक है। और देखें 3 पाव में अच्छे खासे बन गए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 बन जाएंगे 750 ग्राम में। एक अंडा डाला है, ये मेरे घर में रमज़ान में मैं बहुत बनाती हूँ, एटलीस्ट 4 दफ़ा तो बनते ही बनते हैं। देखिए फटाफट हो गया जी। कौन बेटा? ओके। आज की हमारी विनर है मेहर नाज फ्रॉम कराची। आपको बहुत बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह कल किसी इत्तेफाक की बातें देखें। कभी कभी अल्लाह ताला कैसी दुआ सुन लेता है इंस्टेंट। पिछले हफ्ते जब मैं आई थी तो एक कॉलर ने कॉल करके कहा था कि आपा प्लीज़ तंदूरी नान सिखा दीजिए, तवे पे बनने वाले। मेरे मियाँ को बहुत गरम गरम रोटी पसंद है और वो मैं बार बार तंदूर पे नहीं जा सकती। तो खुदा की कुदरत देखें कि कल है और मैंने कोई आपके लिए स्पेशल नहीं रखा है, मतलब पहले से दिए हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी दुआ इंस्टेंट कबूल होती है। आज जुमे की रात है, प्लीज़ सूरे काफ, सूरे जुमा, सूरे मुल्क सब पढ़ लीजिएगा और मुझे और मेरी टीम को दुआओं में ज़रूर याद रखिए। चलें जी, ये ले जा रहे हैं हम टेबल पे और हमारा केक भी हो गया, हमारे चॉप्स भी हो गए। 2 टेबलस्पून क्रीम चीज़ भी इसमें चली गई थी। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर। कल आपसे शाम 6:30 बजे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।